हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है गुजिया बनाना। तो आइए होली के अवसर पर गुजिया बनाते हैं। गुजिया बनाने के लिए ये हमने 1 किलो मैदा लिया है, इसको हमने अच्छे से छान लिया है और ये 1/2 किलो हमने खोया लिया है, 1 बाउल हमने ऑयल लिया है और ये मैंने किशमिश ली है 1/2 कटोरी, इसको मैंने कट कर लिया है, 1 कटोरी मैंने नारियल को बरूदा लिया है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है नारियल को, और ये मैंने 1/2 कटोरी बादाम और 1/2 कटोरी मैंने चिरौंजी ली है। तो आइए बनाते हैं। और ये मैंने 5 से 6 मोटी इलायची और 8 से 10 मैंने काली मिर्च ली है, इसको मैंने दरदरा कूट लिया है। तो आइए बनाते हैं गुजिया। ये मैंने एक परात ली है, अब मैं इसमें ये आटा डालूंगी और अब मैं इस आटे के अंदर मोइन डालूंगी। मैं थोड़ा सा ऑयल बचा लेती हूँ, ये लगभग ऑयल हमारा 250 ग्राम के आसपास है और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। और ये हमारे मैदे के अंदर ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसकी मुठियां भी बनने लगी हैं और इतना ऑयल हमारा बच गया है। अब मैं पानी डाल के इसका आटा तैयार कर लूंगी। ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं टाइट आटा तैयार कर लूंगी। और ये हमारा आटा गूंदकर तैयार हो चुका है। इस आटे को गूंदने में हमारा 1 गिलास पूरा पानी लग गया है और आटे को मैं रेस्ट के लिए रख दूंगी। आटे को मैं 1 बाउल के अंदर निकाल लूंगी और इस पे मैं गीला कपड़ा ढक दूंगी बाउल के ऊपर और आटे को मैं रेस्ट करने दूंगी। ये मैंने 1 बाउल चीनी ली है, ये लगभग 400 ग्राम के आसपास चीनी है। अब मैं चाशनी तैयार कर लूंगी। एक बर्तन लिया है और इसमें मैं ये चीनी डाल दूंगी, 1 कटोरी पानी डाल दूंगी और ये चाशनी मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई है, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। ये मेरे पास केसर वाली चाशनी थी, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी और चाशनी पकने तक तैयार कर लेंगे हम इसको। जब तक ये हमारी चाशनी बनती है तब तक हम ये ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। मैंने एक सॉस पैन लिया है, अब मैं इसमें सबसे पहले चिरौंजी को भून लूंगी। अब मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, ये खोए को मैंने पहले से ही भून के रखा हुआ है, अब मैं ये खोया इसमें डाल दूंगी। ये हमारी चिरौंजी रोस्ट होने लगी है, अब मैं इसी के अंदर ये बादाम डाल दूंगी और ये नारियल का बुरुदा भी डाल दूंगी इसमें और साथ ही मैं ये किशमिश भी डाल दूंगी और इसे मैं थोड़ा सा भून लूंगी। ये हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं इसमें ये मोटी इलायची और काली मिर्च डाल दूंगी। इसे भी इसमें ही मिक्स कर लूंगी, इसकी खुशबू कितनी बढ़िया लगती है मोटी इलायची की, अगर हम गुजिया में डालें तो फ्लेवर ही बहुत ही अच्छा आएगा हमारी गुजिया का। मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब इस मिक्सचर को मैं इस खोए के अंदर डाल दूंगी, थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी क्योंकि ये गर्म है ड्राई फ्रूट हमारा। अब मैं चाशनी के अंदर थोड़ा सा फ्रूट कलर डालूंगी, ये मैंने 1 पिंच फ्रूट कलर लिया है, ये मैंने इसमें ऑरेंज कलर डाल दिया है 1 पिंच।
और अब मैं इस मिक्सचर को हाथ से मिक्स कर लूँगी। और ये मैंने एक कटोरी देसी खांड ली है, मीठा आप अपने हिसाब के अनुसार रख सकते हैं, मैं मीठा इसमें कम ही रखूँगी। मिक्स करूँगी, मीठा हमें गरम में नहीं डालना क्योंकि हमारा खोया ठंडा है, इसलिए हम इसमें मीठा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। हमें चाशनी को तार की नहीं बनाना है, ये बिल्कुल चिपचिपी होनी चाहिए चाशनी, और ये हमारी चाशनी चिपचिपी है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं गुजिया बना लेती हूँ। और ये हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है, इस डो को मैं एक बार हाथ से मसल लूंगी और इसमें से मैं थोड़ा सा आटा निकाल लूंगी, इसकी एक गोल बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लूंगी। और ये मैंने सूखा मैदा लिया है, अब मैं इस पे मैदा लगाऊंगी और एक बड़ी सारी रोटी बॉईल कर तैयार कर लूंगी। हमें रोटी की रखना जिस प्रकार से हम घर में रोटी बनाते हैं पतली, उस हिसाब से हमें इसकी रोटी बेल कर तैयार करनी है। और ये हमारी रोटी बिलकर एकदम तैयार हो चुकी है। अब मैं ग्लास की मदद से इसकी पूरियां काट लूंगी। ये देखो इतना साइज, जितना बड़ा आपको साइज लेना है आप कटोरी से ले सकते हैं। मैं गुजिया का छोटा ही साइज ही रखूंगी। और अब मैं इस एक्स्ट्रा आटे को निकाल लूंगी और अब मैंने सारी गुजिया को भरकर तैयार करूंगी। अब मैं एक गुजिया पे ये थोड़ा सा पेस्ट भरूंगी इस प्रकार से, और इस पे किनारी मैं इसको फोल्ड करूंगी इस प्रकार से। और आप चाहे इसको सांचे में बना सकते हैं, मैं हाथ की मदद से ही बनाऊंगी इसे। और अब मैं इसको फोल्ड करूंगी इस प्रकार से, और ये देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है। गुजिया को बनाऊंगी, और इस पे भी मैं पानी लगाऊंगी गुजिया पे। इसे मैंने इस प्रकार से फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसको फोक की मदद से दिखाऊंगी आपको बना के नहीं। और ये हमारी फोक की मदद से कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है। और इसी प्रकार से मैं अपनी सारी गुजिया भरकर तैयार कर लूंगी। पहले सारी गुजिया को भरूंगी, फिर उसके बाद मैं फ्राई करूंगी इन्हें। मैं सबको फोक की मदद से ही बनाऊंगी, आधी को मैं हाथ की मदद से बनाऊंगी। हाँ, बिल्कुल आसानी तरीके से है बनकर तैयार होगी ये हमारी गुजिया। मैं इसी प्रकार से सारी गुजिया बनाकर तैयार कर, और ये हमने गुजिया भरकर तैयार कर ली है। और इधर हमारा ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसको हमने स्लो पे ही रखना है। मैं इसमें एक एक करके गुजिया को छोड़ दूंगी।
अब मैं इन्हें हिलाऊंगी मैं। और ये हमारी गुजिया कितने अच्छे से सीख रही हैं। थोड़ा सा और सेक लूंगी मैं गुजिया को। और अब मैं ये गुजिया को प्लेट में निकाल लूंगी। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं ये गुजिया को चाशनी में डाल दूंगी। और ये चाशनी में अच्छे से डिप हो चुकी हैं। मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी। और बाकी बची हुई गुजिया को भी चाशनी में डाल दूंगी। इसे भी थोड़ा सा डिप होने दूंगी मैं चाशनी के अंदर। इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। गुजिया को प्लेट में सर्व करूंगी। और ये हमारी गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है।